पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी विखे मनाए गए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े मौके पहुंचे अली राजा गद्दी नशीन साई मियां मीर फाउंडेशन ने कहा कि सानू खुशी हुई है कि परमात्मा दी रजा सदका गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी दा लांघा खुलण नाल दोहां मुल्कां अंदर भाईचारक सांझ कायम हुई है। दरबार साहिब मियां मीर साहब तो होंदा होया दरबार श्री ननकाना साहब पहुंचया और उत्थे जा के असी फकीरां साधुआं ने जिहड़े दरबार साहिब मियां मीर साहब वल्लों गए सन सारियां ने एक प्यार दा एक अमन और एक भाईचारे दा पैगाम दिता। इहदे नाल नाल उस मूर्ख बंदे दे कोल वी गए जिन्हें कल्ले बंदे ने ना उदे नाल कोई ना उदे नाल खलोन वाला कोई ना वो किसी जवाब नूं प्रजेंट करता है ना किसी होर चीज़ नूं प्रजेंट करता है जिन्हें इंतहाई गलत किस्म के मामलात किए और उन्हें भी समझाया उन्हें को भी माफ़ी मंगवाई और इंतहाई शर्मिंदा सी अपने तमाम तर मामला चे कि जी मेरे तो गलती हुई मैं परेशान था। खैर परेशान गलतियां हो रही एक अपनी जगह है मगर वो बंदा सजा दा मुस्तहिक है कि दोबारा उसके नाल इस तरह दे मामला बोले सोने हाल श्री अकाल असी सारे उधर पहुंचे तमाम तर मामला और कल सुबह तो लेके रात गए तिकर सारी संगत सारे दरवेशा दी संगत और मुख्तलिफ गदिया दे जड़े सजादे सन वो सारे गए और माहौल नू खुद ऑब्जर्व करते रहे ऐसी कोई गल नहीं है उसे सब सुकून है सारे मामला शांति नाल अंजाम दिते जा रहे ने हर दूर नज़दीक दियाँ बीबियाँ आ रही ने बच्चे आ रहे ने अपनी तमाम तौर इबादत अच्छे तरीके नाल अंजाम दे रहे ने और ये नाल नाल मैं संगतां नू ए भी दसना चला कि जी यकम माघ जदों साईं मियां मीर साहब ने हरिमंदर साहब का नींह पत्थर रखिया सी ओ जी 14 फरवरी नूं बन रही है उहदी मुनासबत नाल 14 जनवरी नूं बन रही है जी इहदे नाल नाल 13 जनवरी नूं दरबार श्री करतारपुर साहिब समागम रखिया गया है तमाम संगतां जिहड़ी बेनती है जी सारे हुकम आकर पहुंचण वाहिगुरू जी का खालसा नाल नाल दरबार साईं मियां मीर साहब दी तशरीफ लियाल मगर मेरे जेडे प्रोग्राम ने साडे पोस्टली जेडे साडे अपने सोशल लिंक्स तो लाइव होंदे ने उन्हें देखा जा सकता है हर तरह के मामला सोने ने सुकून नाल अंजाम दिते जा रहे ने और वो बंदा इंतहाई नादाम और शर्मिंदा है क्योंकि ओदी फर्दे वाहिद की जाती लड़ाई सी
ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਏ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1600 ਕਿ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਗਰ ਕੋਖੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।